If there is a heaven on earth, it's here, it's here, it's here. यानी दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो बस यही है, यही है, यही है। और इस जन्नत का एक खूबसूरत सा हिस्सा जिसको लोग गबेवार या गब्बार के नाम से जानते हैं। गब्बार एक ऐसी जगह है जहां ना कोई 4G ना ही कोई नेटवर्क है, लेकिन इंसान जब 4-5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद इस जगह पहुंचता है तो बस चारों ओर नज़र दौड़ाकर भी इसकी खूबसूरती को समेट नहीं पाता। वैसे तो इस जगह पे आने के लिए काफ़ी सारे रास्ते हैं, लेकिन सिर्फ ट्रैक करते हुए ही यहाँ तक आप आ सकते हैं। इस ट्रैक के काफ़ी सारे पार्ट्स फ्यूचर में आने वाले हैं, सो हर एक पार्ट को एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो हमारी ट्रैकिंग आज स्टार्ट हो चुकी है। आधा घंटा भी हो चुका है ट्रैकिंग करते हुए। आज हम जा रहे हैं गबेवार और काफ़ी सारे प्लान बनाए हैं कि आज गबेवार में जाके काफ़ी एंजॉय करना है हमें। तो ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है, अभी कम से कम 2-2.5 घंटे की ट्रैकिंग और करनी है। तो चलिए, हमारी ट्रैकिंग अब स्टार्ट हो चुकी है, आप हमारी ट्रैकिंग को एंजॉय करिए। हम अब गबेवार जा ही के आपसे बात करेंगे, तो चलिए एंजॉय करिए तब तक हमारे।
आप देख रहे हो इसको जो नीचे जड़ होती है उसकी नमकीन चाय बनती है वो फास्ट पिंक कलर की होती है। तो जो यहाँ के लोग होते हैं वगैरह जो देसी लोग होते हैं जो यहाँ पे आते हैं माइग्रेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं नमकीन चाय को। ये जो फ्लावर्स हैं ये वाइल्ड जो स्ट्रॉबेरी होती है ये वो अगर किसी जगह पे कहीं पे निकले होंगे हम आपको वाइल्ड स्ट्रॉबेरी भी दिखाएंगे कितने होते हैं। तो दोस्तों ये आप बैकग्राउंड में देख लीजिए ट्रैकिंग करने के बाद बस यहाँ से ये जो लोगों के ये जो कोठे होते हैं यहाँ पे अपने भेड़ बकरियाँ वगैरह लेके वो आ जाते हैं क्योंकि ये एरिया आप देख लीजिए आप यहाँ से ऊपर दिखाइए ये एरिया आप देख लीजिए यहाँ काफ़ी अच्छा घास होता है और इसीलिए अपना भेड़ अपनी भेड़ बकरी लेके ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं और इन कोठों में बैठते हैं। हम इन कोठों का व्यू भी आपको अभी दिखाएंगे। हम कोठों के पास जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह के कोठे होते हैं। तो उससे पहले हम आपको दिखाएंगे आप थोड़ा आगे तो उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे वो जो जगह आप देख रहे हैं ये को बोलते हैं भूस भूसियाँ पहाड़ी में बोलते हैं भूसियाँ लोकल लैंग्वेज में यहाँ की लोकल लैंग्वेज में भूसियाँ बोलते हैं और कश्मीर में इसको भूस बोलते हैं। वहाँ पे जो है पोटैटो फार्म है काफ़ी बड़ा और अभी वहाँ पोटैटो लगाने का काम शुरू हुआ है वहाँ पे भी हम एक व्लॉग बनाएंगे। फिलहाल हम आज गबेवार जा रहे हैं तो उसी का व्लॉग हम बनाएंगे। आप देख रहे हैं ये है ये कोठे और इन कोठों के सामने हम पहुंचे और ये छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे रहते हैं। आप उर्दू आती है उर्दू का नहीं आती है आप आगे आ जाओ आपका नाम क्या है जोर से बोलो क्या नाम है आपका फाकत फाकत नाम है आपका आप यहीं रहते हैं उनमें कोठों में बढ़ते बढ़ते नहीं हो क्यों अच्छा कैसा मजा आता है यहाँ स्कूल जाते हो पहाड़ी करते हो कश्मीरी सर करो बोलो कश्मीरी में कैसा मजा आता है यहाँ बस है वहाँ ये बोलो उनको उनको बोलो वीडियो उठा रहे हैं ना आप बोलो उनको कितना मजा आता है बोलो चलो सर इनको आप कहीं दिखाएंगे अच्छा इनको दिखाएंगे ये चलो इसमें इसमें अपने भेड़ में रखते हो आप हाँ तो ये देख लीजिए दोस्तों आप यहाँ पे आप इनको दिखाओ
और ये है जंगली सब्जी जिसको कुंजी कहते हैं। इसके काफ़ी सारे और भी नाम हैं जो विंटर ख़त्म होने के बाद ही उगती है। ये था ट्रैकिंग का पार्ट 1। बाकी पार्ट्स के लिए करिएगा इंतज़ार।